के सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आज करनाल के इंद्री विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैनपुर साधना गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पूरा पैसा आम जनता तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आज बुजुर्गों की पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति तक का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर जनता के जीवन को सरल और सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए आज शिक्षकों की ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से हो रही है। आपको बता दें कि सीएम जैनपुर साधना के बाद डबकोली कला और दनियालपुर गांव में भी लोगों से रूबरू होंगे और वहां पर लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी फरियाद सुनेंगे। चलिए अधिक अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ गए। कमरजीत, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम, अब किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें तो जो पहला कार्यक्रम था जैनपुर सदन में, वो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री ने काफी लोगों की यहाँ समस्या सुनी। और सबसे बड़ी बात एक ही है कि जहाँ पर गांव के जितने भी लोगों का जन्मदिन था, जहाँ बच्चों का जन्मदिन था, जहाँ बड़ों का जन्मदिन था, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने शुभकामना दी और उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट दिया। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्या सुनी। सबसे ज्यादा समस्या वही समस्या है कि पेंशन की है, आईडी प्रूफ की है, प्रॉपर्टी आईडी की है, या उसके साथ अगर बात कीजिए तो और भी ऐसी गली की नाली की समस्या जरूर सामने आई। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ज्यादातर जो समस्या का हल मौके पर करवाने की कोशिश की। और उसके साथ अगर बात कीजिए तो पेंशन को लेकर जो लोग यहां पर पहुंचे थे उनके साथ ही एक अलग से डेस्क लगाया गया था, वहां उनकी पेंशन और आईडी प्रूफ को लेकर कहीं ना कहीं वहीं पर ठीक किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जो पहला कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर खत्म होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आगे जो डबकोली कला का कार्यक्रम है वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर लोगों की ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे। और उसके बाद अगला जो लास्ट वाला कार्यक्रम आज का होगा वो दनालपुर में होगा। दनालपुर में मुख्यमंत्री जाएंगे और जनसभा के दौरान, उन जनसंवाद के दौरान जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। अगर बात की जाए तो जिले के जितने भी अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, एसपी डीसी तमाम अधिकारी मौजूद हैं और वहीं पर हर समस्या के समाधान करवाने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई ऐसा मामला आता है जो चंडीगढ़ लेवल का मामला आता है तो उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने जो स्टाफ चंडीगढ़ से साथ आया उनको देते हैं और उनको जल्दी कर इस पूरे काम को करने के लिए कहते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल कमरजीत, क्या आज करनाल के लोगों को कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री द्वारा दी जा सकती है क्या? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल ऐसे कोई किसी तरह की घोषणा जो मुख्यमंत्री करने अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो ये तीन ही जो कार्यक्रम रखे गए और चौथा कार्यक्रम जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि जो पिछले दिनों उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो घोषणा की थी, जहां कहीं ना कहीं लोगों की समस्या आई थी, उसका क्या समाधान है, कि जो लोकल लेवल के जो समस्या थी उनका समाधान हुआ है या नहीं हुआ, जो चंडीगढ़ लेवल की समस्या थी उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ, तमाम तरह का फीडबैक लेंगे, अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ भी बातचीत जरूर करेंगे। जो आने वाले टाइम में करनाल का जो नगर निगम का चुनाव है वो भी आने वाला है, इन तमाम तरह के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री करनाल को कोई फिर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी ठीक है कमरजीत, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।